श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पूनावाला की कस्टडी फिर से बढ़ाई गई है। लगातार इस केस में नए खुलासे हो रहे हैं। अब मामला ड्रग एंगल तक पहुंच गया है। मेरे साथ टीवी अभिनेता इमरान खान मौजूद हैं। इमरान, आपने कुछ चीज़ों का जिक्र किया था जो हमने हाल ही में देखा, तो श्रद्धा की मुलाकात आपसे कब हुई और क्या कुछ श्रद्धा ने आपको बताया आफताब के बारे में? एक्चुअली हमारी मुलाकात हुई थी 2021 में जी। जन और फरवरी के बीच में हमारी मुलाकात हुई थी। एक्चुअली मैं एक्टिंग के साथ साथ मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और एनजीओ के साथ, मैं बहुत सारे एनजीओ के साथ जुड़ा हूँ। लोगों की हेल्प करते हैं हम लोग और कुछ भी ऐसा सोशल वर्क हो मैं वहाँ पे जाता रहता हूँ। ऐसी एक काम से मैं जू बीच पे गया हुआ था, देन सडन ऑफ मुझे एक लड़की दिखी जो बहुत परेशान थी। मैं उसका पेन इसलिए फील कर पाया क्योंकि मैं भी मुंबई से नहीं हूँ, मैं भी कश्मीर से हूँ, यहाँ पे अकेला हूँ। तो वो मेरे को लगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है। देन कुछ लड़कियों से वो बात कर रही थी, बात करने के बाद देन मैं उनसे पूछने गया कि आर यू ओके, आपका फेस से लग रहा है कि आप प्रॉब्लम में है, आपको कुछ पैसों की ज़रूरत तो नहीं है? क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को बहुत इफ़ेक्ट हुआ था और हमने बहुत लोगों की हेल्प की भी थी। उन्होंने आपको कोई हेल्प चाहिए? बोला नहीं 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 हम ओके। उन्होंने बोला कुछ और हेल्प चाहिए, किसी कोई आपको तंग कर रहा है? ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कुछ करे डायरेक्टली उन्होंने मना कर दिया। वो ज़्यादा मुझसे बात नहीं करना चाह रही थी। देन मैंने बताया कि आई एम इन्फ्लुएंसर, मेरे अच्छे फॉलोअर्स हैं, हम लोगों की हेल्प करते हैं जी। आपको कोई भी हेल्प हो तो बताइए। देन उन्होंने बताया कि मुझे एक्चुअली मीडिया लाइन में जाना है, मुझे भी जर्नलिस्ट बनना है। तो हमारी बातें होती गई, खुलती खुलती गई। तो देन उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली, मैंने उनसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, जेन्युइनली आप बता सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम मेरे बॉयफ्रेंड से बहुत समय से चल रही है, ही इज़ अ ड्रग एडिक्ट, बहुत स्मोकअप वगैरह चल रहा है। तो मैं इसको उस चीज़ों से निकालना चाहती हूँ बट मेरे को कोई रास्ता मिल नहीं रहा। डू यू हैव एनी डॉक्टर्स नंबर और कोई रिहैब का कोई अगर है कॉन्टैक्ट? तो मैंने फट से फ़ोन निकाला, मैंने चेक किया कि कुछ होगा, डॉक्टर सर्च किया, कुछ तो नहीं मिला। देन मैंने बोला अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, आप मेरा इंस्टाग्राम है, क्योंकि नंबर मांगना सही नहीं था उस कंडीशन में और ऐसी लड़की से नंबर मांगना जिसका ऑलरेडी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही हैं, तो हम ऐसे इन्वॉल्व हो जाते तो और चीज़ें बिगड़ जाती। तो मैंने उनका अपना इंस्टाग्राम हैंडल बताया, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप कभी भी मुझे मैसेज करें, आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। क्योंकि जब मैं मुंबई आया था मैं भी अकेला था, मैं भी बीच पर जाके ऐसे खड़ा हुआ हूँ, शाम शाम को बैठ के मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं। तो वो चीज़ मैंने थोड़ा सा वो हो गया मेरे से। इमरानी, कब की बात है, कौन सा महीना था, कौन सा साल था ये? 2021 की बात थी, आफ्टर लॉकडाउन 2021 जनवरी और फरवरी के बीच की बात थी। तो श्रद्धा क्या वहाँ पर अकेली थी? पहले तो वो कुछ दो लोगों के साथ बात कर रही थी, देन वो अकेली थी, तब मैं जाके उनसे मैंने बात की। तो अकेले मतलब दो लोग कौन थे, क्या कोई आफताब आपको लगा वो था? नहीं नहीं नहीं, दो लड़कियां थी एक्चुअली, एक वो भी हमारे साथ ही क्लीनअप वगैरह में थी, एक कोई आई थिंक मराठी एक्ट्रेस थी और दूसरी को मैं नहीं जानता जी। तो श्रद्धा ने आपको बताया कि उनके जो बॉयफ्रेंड हैं वो ड्रग एडिक्ट हैं, रिहैब ढूंढ रही हैं, कुछ और डिटेल में बताया जैसे कि मारपीट की बात हो रही है कुछ वैसा, आपको उनके चेहरे पे इस तरह का कोई निशान? यस, वो निशान तो नहीं मिला बट चेहरे से पता चल रहा था कि लाइक ये बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि दिख जाता है इंसान को, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम में होता है तो तभी मैं भी वहाँ पहुँचा हेल्प करने की। नॉर्मली इंसान से क्यों जाके पूछूंगा, वहाँ पे दिख रहा था कि शी नीड्स हेल्प। तो आफताब का उन्होंने जिक्र नहीं किया, तो उन्होंने बॉयफ्रेंड का जिक्र किया था। पता नहीं कि उन्होंने मेरा नाम सुना इमरान खान, क्या पता वो सोच के उन्होंने अपना नाम आफताब का नाम नहीं बताया। बट ये बहुत बुरा हुआ है एंड ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हमारे इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है और हमारे इस्लाम में एक औरत जात के लिए एक अच्छा दर्जा दिया गया है। नॉट इन इस्लाम, एवरी रिलीजन हैव एक स्पेशल स्पेस है वुमेंस के लिए। तो उसने इंसानियत का कत्ल किया है, उससे कड़ी सी कड़ी सज़ा मिले, उसका ये ट्रायल वेल बहुत जल्दी से ख़त्म हो के उसको बस सज़ा दो, और ऐसी सज़ा दो कि आगे जाके वो किसी कोई अगर ऐसा कोई करना चाहे तो पीछे हट जाए, ऐसा एक मिसाल बन जाए। इमरान, ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं साथ में ये पूछना चाहूंगी कि श्रद्धा ने
किन बातों का डिटेल में जिक्र किया, किसी तरह के ड्रग का जिक्र किया या फिर बताया? देन ज़्यादा उन्होंने नहीं बताया, बोला स्मोक कप है एक्चुअली, वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं। अब ज़्यादा मैं भी उनसे पूछ नहीं सकता था क्योंकि एक अननोन इंसान थे। अगर हाँ थोड़ा टाइम और बात होती मेरी तो डिटेल में मुझे बता पाते। काश उन्होंने वो मुझे बताया होता तो मैं आज, क्या पता वो जिंदा होते, क्या पता मैं उनकी हेल्प कर पाता। बिल्कुल। तो इमरान, आपको कैसे पता चला श्रद्धा की मौत के बारे में? एक्चुअली मैं मुंबई से बाहर था तो मैंने सुना न्यूज़ में कि कुछ ऐसा, किसी बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड कैसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। देन आफ्टर मैं व्हाट्सएप स्टेटस चेक करा तो एक कास्टिंग डायरेक्टर के फ़ोटो उन्होंने लगाया था और हिंदी में उन्होंने लिखा होता। मेरा प्रॉब्लम कि आई एम फ्रॉम कश्मीर तो मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती। अच्छा। तो मैंने बोला यार फोटो देखा देखा लग रहा है, तब मैंने गूगल सर्च किया, देन याद आया ये तो वही श्रद्धा है। अच्छा। जी तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बात की कि ऐसी से ये बात हुई है, तो उन्होंने फिर कॉन्टैक्ट किया। इससे पहले भी मेरी एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, तब मुझे मौका नहीं मिला बात करने का, बट इस बार मैं चाहता हूँ कि इसको ज़रूर उसकी फैमिली को सपोर्ट मिले और मैं उनके साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। तो इमरान बता रहे हैं कि जुहू बीच पर क्लिनिक के दौरान श्रद्धा वालकर से मुलाकात हुई थी। इस दौरान श्रद्धा ने इस बात का जिक्र किया था कि आफ्ताब जो हैं वो ड्रग लेते हैं, तो ड्रग में क्या मारपीट करते थे आफ्ताब, ये एक जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन लगातार जो श्रद्धा के दोस्त हैं, उनके जान पहचान वाले हैं, परिवार वाले हैं, लगातार कह रहे हैं कि आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और ऐसे में ये जो मामला है वो फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए। कैमरा पर्सन सागर खाड़े के साथ मैं अमृता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई।